मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होते ही पुलिस अधीक्षक रोडोल्फ अल्वारिस के निर्देश पर जगह जगह चेकिंग की जा रही है। स्थानीय सुभाष तराहे पर ट्रैफिक प्रभारी नीरज शर्मा व आदित्य मिश्रा द्वारा वाहनों की चेकिंग की गई और इस दौरान काली फिल्म लगी कार, हूटर, पार्टी चिन्ह लगे होने पर निकलवाए गए। इसके साथ ही वाहनों की चेकिंग भी की गई। कैमरा 24 के लिए भिंड से अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट। चुनाव आचार संहिता भी लग चुकी है, तो चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जो प्रतिदिन चलाया जाता है। स्वास्थ्य राय पे चेकिंग लगाई गई, जिसमें जो ब्लैक फ्रेम वाली गाड़ियाँ हैं, अवैध उटर वाली गाड़ियाँ हैं, और जो जो पार्टियों के झंडे लगे हुए हैं, नंबर प्लेट नियम मुताबिक नहीं है, उनके भी उन पर कार्रवाई की जा रही है, गाड़ी की जा रही है, और कुछ पार्टियों के झंडे भी निकाले गए, नंबर प्लेट जो नियम के अनुसार नहीं थी उनको भी हटवाया गया, जुर्माना उसमें उनसे वसूला जा रहा है।